हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, हम आपके लिए शॉक्स लेकर के आए हैं। देखिए, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी ही बन जाते हैं। और ये हमने 3 महीने बच्चे के लिए बनाए हैं। देखिए, इस तरह आप इनमें बड़े भी बना सकती हैं और छोटे भी बना सकती है इसे। और ये 30 फंदों डाल करके हमने बनाए हैं। 30 फंदे हमने डाले हैं। यहाँ से हमने इनको फंदे डाले हैं इस तरफ से और यहाँ पे लाके घटा दिए हैं। ये देखिए इस तरह, और इस तरह हमने बीच में इसमें जाली भी डाली है। देखिए इस तरह, चलिए शुरू करते हैं हमने किस तरह बनाए हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इन्हें बनाने के लिए हमने 2 कलर की ऊन ली है और ये क्रोशिया भी लिया है और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए इस तरह, इसको दुल्हन धागा करेंगे हम इस तरह, और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, कुछ फंदे हम डाल चुके हैं और देखिए किस तरह हमें फंदे डालने हैं, इनको बताते हैं आपको। देखिए इस तरह हमने अंगूठे में इस तरह लपेटेंगे इसको और इस तरह फंदा डालेंगे। देखिए इस तरह, इसी तरह हम सारे फंदे डालेंगे। देखिए इस तरह, देखिए हमारे 30 फंदे हो चुके हैं ये। तो चलिए आइए, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी ही बन जाते हैं। देखिए, ये वाला फंदा हम इसी तरह उतारेंगे और आगे धागा ले आएंगे इस तरह। देखिए, 5 सिलाई हमें इसी तरह बनानी है उल्टी, जिस तरह हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह दोनों तरफ से। देखिए इस तरह ही उल्टी सिलाई हमें इसी तरह बनानी है। ये देखिए, हमारी 1 सिलाई हो चुकी है। देखिए, उल्टी सिलाई हमने इसमें बनाई है। अब इधर से भी हमें देखिए ऐसे, देखिए इसी तरह उल्टी, इधर से भी हमें उल्टी ही बनानी है। देखिए इसमें, जैसे हम इस तरफ इसमें बनाए हैं, ये देखिए इसी तरह हम 5 सिलाई अपनी बना लेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इस तरह ही, ये देखिए, ये हमारी 5 सिलाई उल्टी हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरह दोनों तरफ से ये हमने बॉर्डर बनाया है। देखिए जैसे इसमें बनाया हुआ है ये वाला। तो चलिए अभी ये हम बीच में जाली डालेंगे, आधे फंदे इधर करेंगे आधे इधर। देखिए किस तरह, इस तरह
सीधी बनाएंगे, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह। हमने इसमें 30 फंदे डाले हैं, इधर 15 करेंगे और इधर, और देखिए हमें सीधी ही बनानी है। देखिए इस तरह आगे धागा लाएंगे, आगे धागा लिया है हम और ऐसे करके ये जाली बन चुकी है हमारी। फिर आगे धागा लाएंगे, फिर ये वाली जाली भी बन चुकी है। देखिए इस तरह, और हमें फिर ये इस तरह फंदे, देखिए यहाँ पे हमने जाली बना दी है और ये हम फंदे इस तरह सादा इसी तरह बनाने हैं हमें। देखिए और ये हमारे फंदे जाली वाले बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह बीचों बीच डाल दिए हमने, आधे फंदे इधर कर दिए आधे इधर। अब फिर हम उल्टी सिलाई पे आ गए, उल्टी सिलाई हमें इसी तरह उल्टी ही बनानी है। देखिए इस तरह देखिए सारी सिलाई इसी तरह बना लेंगे हम। देखिए हमारी दो सिलाई हो चुकी हैं और हम अब इसमें वाइट लगा लेंगे। और हमें इसमें गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह और हम अब वाइट चलाएंगे। देखिए इस तरह कुछ नहीं करना है इसमें हमें, इसी तरह सादा उतारनी है ये हमें। देखिए यहाँ पे हमारा जाली का फंदा बड़ा हुआ आएगा है। देखिए इसको हम इस तरह बना लेंगे और ये बीच की जो फली है इसी से हम आगे धागा लाते हुए जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह फिर से धागा आगे करेंगे और इसको भी जाली बना देंगे और ये बढ़ते हुए फंदे हमारे इसी तरह आएंगे और हमें फिर से ये इसी तरह बना लेने और उल्टी सिलाई उल्टी ही बनानी है। फिर से एक बार बताते हैं कि देखिए इसमें हमने दो सिलाई इसकी बनाई है और दो सिलाई वाइट की लगाई है। देखिए इस तरह और इसमें हमने जाली अपने अनुसार जाली के लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस जाली हमने इसमें डाली हैं। अब इसी तरह हम इसमें दस जाली डाल लेंगे। देखिए अब इसको छोड़ के हम इसी को लगा लेंगे, दो दो सिलाई दोनों की बनानी है हमें। देखिए इस तरह
देखिए इसी तरह जाली तक इसी तरह बना लेना है। और ये जो हमारा बड़ा हुआ फंदा इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे, देखिए इस तरह। और अब आगे धागा लाते हुए इस बीच वाले फंदे से देखिए इस तरह जाली बना देंगे, देखिए इस तरह। फिर आगे धागा लाएंगे और फिर इसी तरह जाली बनाएंगे, देखिए इस तरह। और हम 10 जाली इसी तरह बनाएंगे और देखिए इनको इसी तरह बुन लेंगे। देखिए इसी तरह हमें 10 जालियां बनानी है, हमारे ऊपर फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए इसी तरह हम पूरा बना लेंगे इसको यहाँ तक। देखिए फिर से एक बार और बताते हैं। देखिए 3 जाली हमारी बन चुकी हैं और चौथी हम बनाने जा रहे हैं। देखिए इस तरह हमने ये सारे फंदे बना लिए हैं। देखिए आगे धागा ले आएंगे, आगे धागा लाते हुए देखिए इस तरह जाली बनाएंगे हम। फिर आगे धागा ला के देखिए फिर इस तरह और इनको इसी तरह बना लेंगे, देखिए इस तरह। और उल्टी सिलाई उल्टी ही बनानी है। देखिए ये हमारी 10 जालियाँ पूरी हो चुकी हैं, देखिए इस तरह। अब देखिए हम इस इधर से नीचे वाला पोर्शन बनाएंगे। जैसे हमने ये दोनों तरफ से उल्टा बनाया था, इसको भी हम 3 सिलाई इसी तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह दोनों तरफ से हमें इसी तरह बनाना है 3 सिलाई, देखिए इस तरह। जिसे हमने इसमें बनाया है ये देखिए इस तरह। दस जाली बनाई है हमने, 10 फंदे हमारे इधर बड़े हैं और 10 इधर बड़े हैं, देखिए इस तरह। दोनों तरफ से हमें इसी तरह बनाना है। एक बार फिर से बताते हैं, उल्टी सिलाई इधर हमारा सीधा है और उल्टी सिलाई भी हमें इसी तरह बनानी है जैसे हमने इधर से बनाया है, ये देखिए इस तरह। तीन चार सिलाई हमें इसी तरह बना लेनी है। ये देखिए हमारी 3 सिलाई हो चुकी हैं। अब उल्टी तरफ से ये देखिए हम इसको घटाना बताएंगे आपको। देखिए 2 फंदे लेकर के एक साथ इस तरह, फिर इस फंदे को भी इस सिलाई में लेंगे और फिर इस तरह बंद कर देंगे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा बुना हुआ जो फंदा ये आया है, इसको भी हम इसी सिलाई में ले लेंगे और एक इसमें से ले लेंगे और देखिए इस तरह बंद कर देंगे, देखिए इस तरह। इसी तरह हम सारे फंदे घटा लेंगे, देखिए इस तरह, देखिए देखिए इस तरह हमारे बंद होते हुए आएंगे ये फंदे, देखिए इस तरह। इसी तरह हम सारे फंदे घटा लेंगे, पूरे फंदे इसी तरह कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह, ये देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए हैं, देखिए इस तरह, और इस फंदे को इस तरह करके, और इसको भी गांठ इस तरह लगा दी है। देखिए थोड़ी सी दूरी पे इसको सिलाई करने के लिए, देखिए इस तरह, देखिए हमने धागा पिरो लिया है इसमें, और देखिए इस तरह हम इसकी सिलाई करेंगे उल्टा करके इसको इस तरह। देखिए इस तरह चारों तरफ से इसको इसी तरह हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए किस तरह हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरह हमें इसकी एक इसमें से इस तरह लेंगे, और इसको धागे को इस तरह करके फिर इसमें से, देखिए इस तरह, सारी सिलाई हमें इसी तरह करनी है। ये हमारी सिलाई चोटी की तरह आएगी, देखिए इस तरह, देखिए हम इसी तरह से पूरी सिलाई कर लेंगे इसकी चारों तरफ से, इधर की हम इसी तरह कर लेंगे और इसको भी इसी तरह। देखिए हम इसकी चारों तरफ से सिलाई कर चुके हैं, देखिए इस तरह हम इसको सीधा कर लेंगे। हम इसको बड़ा बनाना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, ताकि बच्चे के लिए टांगों तक ऊपर तक हो चुके। देखिए किस तरह हम इसकी सिलाई करें पता भी नहीं चल रहा है, देखिए इस तरह। देखिए और क्रोशिया से हम इसकी इस तरह चेन बना लेंगे, देखिए इस तरह हमारा मोजा बन करके तैयार हो चुका है, देखिए इस तरह। और इस तरह हम दोनों लपेट करके फुंदने भी इसमें बांध दिए हैं, देखिए देखिए इस तरह। देखिए इस तरह देखिए इस तरह बनके तैयार हो चुके हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारे शॉक्स कैसे लगे हैं। थैंक यू।